गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द लेट सॉल्यूशन। दो दिन से थोड़ा बिजी चल रहा था एंड थोड़ा वाईफाई का भी इशू था, इस वजह से अपलोड नहीं हो पा रहा था लेक्चर। बट डोंट वरी, ठीक है। 25 क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन थे फेज टू के, ठीक है। हालांकि फेज वन का पेपर तो थोड़ा काफी लेवल का भी था, बट फेज टू का थोड़ा सा पेपर डाउन था। बट ठीक है, कोई बात नहीं। अगर जिस बच्चे ने नहीं भी बनाया हुआ तो कोई इशू वाली बात नहीं है। मैं तो ये बोलूँगा प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना चीजें आपके लिए परफेक्ट बनते जाएंगे, ठीक है। Let us continue our question. Okay. Now, question number one. The charge of electron is -1.6 × 10⁻¹⁹ coulomb. The value of the free charge Li plus Im will be. तो question number one क्या बोला? Li plus में total charge कितना होगा? Total charge आपको यहाँ पे कितना दे रहा है? One electron plus one electron दिख रहा है चार्ज, और E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये प्लस है ना, अगर प्लस वन होता तो वन ई लिखते थे, प्लस टू रहता तो प्लस टू ई लिखते थे, प्लस थ्री रहता तो प्लस थ्री ई लिखते। और ई का इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, यहाँ पे मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, साइन की नहीं, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर टू की बात करो, क्वेश्चन नंबर टू क्या बोला था? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 4.8 × 10⁻¹⁹ ESU, ठीक है। अब उसने चार्ज किस फॉर्म में दे दिया? चार्ज उसने दे दिया है 4.8 × 10⁻¹⁹ ESU, ठीक है। बस उसने कूलम की जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कर दिया है, और पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Li प्लस, जो ये होगा क्योंकि Li प्लस में अगेन कितना है? Li प्लस में 1 ही है, E का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4.8 × 10⁻¹⁹। तो अगेन आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर ए होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोला द स्पेसिफिक चार्ज फॉर द पॉजिटिव रे इज मच लेस देन द स्पेसिफिक चार्ज फॉर द कैथोड रे। तो देखो पॉजिटिव रे मतलब एनोड रे, किसकी बात हो रही है? एनोड रे। एनोड रे में याद होगा कि हाइड्रोजन जो था वो क्या हो रहा था? स्प्लिट हो जा रहा था, आयनाइज हो जा रहा था। आयनाइज होने की वजह से ही तो एनोड रे प्रोड्यूस हो रहा था। तो इसमें देखो हाइड्रोजन की वजह जो आयनाइज हुआ तो मास क्या हो चुका? डबल हो चुका है। तो मास डबल हो चुका था, इसलिए इसका क्या हो चुका होगा? जो मास डबल होने की वजह से E by M की वैल्यू, E by M की वैल्यू एनोड की जो होती है वो काफी छोटी होती है E by M की कैथोड से। इसलिए आंसर ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी, द पॉजिटिव रे कंप्राइजेस एनाइज्ड एटम, आयनाइज्ड एटम विद द मास इज मच हायर, ठीक है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा आसान था और थोड़ा ट्रिकी भी था, ठीक है। ट्रिकी इसलिए था, उसने बोला भाई E by M रेशियो आपको अरेंज करना है न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अल्फा। देखो E by M रेशियो न्यूट्रॉन के लिए तो E by M का रेशियो क्या होगा? 0। क्यों पूछो भैया? चार्ज क्या है आपका? 0। तो 0 by something तो 0 ही होगा, ठीक है। अब मैं बात करूं, अब बात होती है अल्फा पार्टिकल के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं, चलो अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल में कितना होगा चार्ज? और देखो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ अल्फा, तो 4 टाइम्स ऑफ मास, मास ऑफ अल्फा इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है, और चार्ज ऑफ अल्फा जो होता है 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये याद रखना। तो अल्फा और प्रोटॉन की बात करूं तो ये तो अगेन क्या होगा? E by M मान लेता हूं मैं इसका, तो ये कितना हो जाएगा? 2 by 4 टाइम्स हो जाएगा इसका E by M ऑफ प्रोटॉन। तो इसका मतलब ये होगा कि अल्फा तो प्रोटॉन से, अल्फा का जो रेशियो होगा, देखो ये 1 by 2 टाइम्स है ना, 1 by 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन है E by M, जो चार्ज टू मास रेशियो प्रोटॉन का, वो अल्फा से क्या होगा? हाफ होगा, क्योंकि इसका रेशियो 2 by 4 टाइम्स है। सारे बात समझ में? इसलिए न्यूट्रॉन का सबसे कम, उसके बाद थोड़ा ज्यादा अल्फा का, उसके बाद सबसे ज्यादा प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि मास सबसे कम है। तो आपको बस यही दो ऑप्शन देखना था। आप इसको अगर अगर देखो यहाँ पे दिमाग लगाने वाला था, अगर आपको ये दो कॉन्सेप्ट का मालूम नहीं भी पता था तो आपको ये तो पता था न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, तो ऑब्वियस बात है ये सबसे पहले होगा, सबसे लास्ट में कौन होगा? भैया सबसे लोवेस्ट मास का मैंने बोला ही था कि सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो इसका ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको? ऑप्शन डी दिख रहा है, और ये पार्ट याद रखिएगा, मास ऑफ अल्फा और चार्ज ऑफ अल्फा का रिलेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन जो होगा वो मेरा होगा ऑप्शन डी,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 4 का डी होगा, 5 का भी डी ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है द मास द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कैन बी अज्यूम टू बी स्फेरिकल, ठीक है, मानते हैं वो तो सही बात है। द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए इज गिवन बाय, ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, क्वेश्चन नंबर मैं बात कर रहा हूं 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 की रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मैंने आपको बताया था r नॉट इनटू a रेस टू 1/3, r नॉट की वैल्यू से कितनी दी 1.25 इनटू 10 रेस टू -13, और मास नंबर उसने कितना दिया हुआ है, मास नंबर उसने दिया हुआ है 64 का पावर, मतलब क्या 4 का पावर क्यूब लिख सकता हूं 3/3, तो 1.25 इनटू 4 मतलब क्या होगा 5 इनटू 10 रेस टू -13, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की बात करूं तो 4/3 पाई 5 इनटू 10 रेस टू -13 का कितना हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, व्हाटएवर ये मान लो क्यूब में मान लेता हूं, वॉल्यूम ऑफ एटम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम बना एंगस्ट्रॉम दिया, मतलब 10 सॉरी रेडियस ऑफ एटम दिया है ना, सॉरी हां रेडियस ऑफ एटम कितना दिया 1 एंगस्ट्रॉम, तो 4/3 पाई 10 रेस टू -8, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 रेस टू -8 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि ऊपर वाला भी सेंटीमीटर है इसलिए इसको भी सेंटीमीटर में लिया, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होगा 4/3 पाई 5 इनटू 10 रेस टू -13 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई 10 रेस टू -8 का होल क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, 5 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 125, और ये -13 और ये 34 ये कितना होगा 10 रेस टू -15, तो ये 1.25 10 रेस टू -13 आंसर होना चाहिए, क्या ये आ रहा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, तो 6 का क्या हो जाएगा मेरा डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, इन बोर एटम द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 3, हाउ मच एनर्जी एमिटेड, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, आपको मैंने पहले बताया था, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 7 बोला इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो डेल्टा ई का फार्मूला क्या दिया था 13.6 z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर, ये फार्मूला था, दो ऑर्बिट के बीच के मतलब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो आप इससे एनर्जी डिनोट कर सकते हो। दूसरी बात, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 1.6 10 रेस टू -19, क्योंकि ये जो पार्ट था, ये जो आंसर आता था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, मुझे किस में आंसर निकालना है, मुझे आंसर निकालना है अर्ग में निकालना है, किस में निकालना है, तो ये जूल में है, तो जूल से फिर मैं क्या करूंगा 10 रेस टू 7 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जूल मेरा अर्ग में कंप्लीट हो जाता है, तो नाउ अप्लाई 13.6 z स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर हाइड्रोजन बोर किसके लिए अप्लाई था, हाइड्रोजन के लिए, तो z ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा 1/1 स्क्वायर -1/3 स्क्वायर इनटू 1.6 10 रेस टू -12 पकड़ लेता हूं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, तो 13.61 इनटू 8/9 डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं 1.6 10 रेस टू -12, तो ये अप्रोक्सीमेटली जब आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है आपका, ये अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा 0.19111 10 रेस टू -10 अर्ग आ जाएगा, ठीक है, तो जो कि ऑप्शन बी आपको दिख रहा है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, ठीक है, रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज इतना, तो थर्ड ऑर्बिट कितना होगा, वेरी इजी, r3 बराबर क्या करूंगा r1 इनटू n1 स्क्वायर इनटू सॉरी हां n स्क्वायर, ठीक है, इनटू n स्क्वायर, r1 कितना दिया 0.53, n स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर मतलब 0.53 इनटू 9, तो दैट्स नथिंग बट अप्रोक्स कितना होता है 4.77 आर्मस्ट्रांग, कितना होता 4.77 आर्मस्ट्रांग, जो ऑप्शन डी दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया मेरा, यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 मेरा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, आपको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 8, बस ये फार्मूला होता डायरेक्ट, ये डायरेक्ट मैंने फार्मूला आपको लिख दिया, ये हमने क्लासरूम में भी किया हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, द पॉसिबल एनर्जी वैल्यू ऑफ द एक्साइटेड स्टेट फॉर द बोर इलेक्ट्रॉन, देखो आपको याद होगा ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी क्या होती थी -13.6, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए आपका क्या होता था -3.4 और ऊपर क्या होता था उसके बाद -1.52, तो ऑप्शन इसमें से कौन सा दिख रहा है, ऑब्वियस ऑब्वियस क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 10, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सेकंड बोर ऑर्बिट
सेकंड बोर ऑर्बिट, ठीक है, एनर्जी ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट आपको पता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में कन्वर्ट कर, जूल में, और उसको कैसे अर्थ से मल्टीप्लाई कर दो 10^7, तो एप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 16 64 64 और 6 16 48 48 और 6 हो जाएगा आपका 54। तो ये आज एप्रोक्सीमेटली आता है 10, ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, राइट, कितना आएगा -5.44 10^-19 जूल, नहीं -19 जूल, जूल में दिया ना, अर्ग का तो ऑप्शन नहीं है क्योंकि अर्ग में होता तो 10^-12 के रेंज में होता था, इसलिए अर्ग वाला नहीं ऑप्शन लेंगे हम, जूल वाला ही ऑप्शन लेंगे। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला, दी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मास ऑफ 1 ग्राम एंड वेलोसिटी इतना। क्वेश्चन नंबर 11 लैम्डा बराबर क्या होता है, h/mv, बहुत आसान है, लेकिन एक बात यहाँ पे जनरली मुझे पता है ये बच्चा गड़बड़ किया होगा, क्यों, यहाँ पे मास केजी में लेना बेटा आपको हमेशा याद रखना, तो ऊपर क्या होगा 6.6 10^-34 अपॉन मास कितना होगा 1 ग्राम मतलब 10^-3 केजी कर दिया, और वेलोसिटी इसमें कितना दिया हुआ 100, वेलोसिटी 100, तो ये एप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आती है 6.6 10^-33, तो 11 का मेरा क्या आ जाएगा 6.6 10^-33, ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला था, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मटेरियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। अभी हमने देखा लैम्डा इज इनवर्सली, एमवी इज नथिंग बट मोमेंटम, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, तो 12 का ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द हाइड्रोजन इन द थर्ड ऑर्बिट। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डायरेक्टली नहीं था, मतलब ये थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन भी नहीं था एक्चुअली, अगर ये थर्ड ऑर्बिट का आपको वेलोसिटी निकालना था तो ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, v वेलोसिटी 3 क्या होता है 2.18 into z by n, z by n फार्मूला होता है vn वेलोसिटी निकालने के लिए, और थर्ड ऑर्बिट का बोला हाइड्रोजन एटम का था 2.18 into 1 by 3 sorry, my mistake, ये फॉर्मूला होगा 2.18 into 10^6 into z by n, तो 2.18 10^6 into 1 by 3, तो ये जो आपका आंसर होगा, ये जो आपका आंसर आता है 1 by 3, एक्चुअली इसको मैंने सॉल्व किया है, मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो ये आ जाता है 0.73 10^8 मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकंड इसलिए लिया क्योंकि देखो वेवलेंथ उसने चारों ऑप्शन में सेंटीमीटर दिया, ये जो आएगा हमारा मीटर पर सेकंड में आएगा, तो मीटर पर सेकंड को चेंज करना सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 0.73 10^8 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो लैम्डा बराबर अगेन क्या होगा h/mv मतलब 6.6 10^-34 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 9.1 10^-31 into 0.73 10^8। देखो थोड़ा कैलकुलेटिव था बट रियली में एक बहुत आसान क्वेश्चन था, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा उसने हार्ड पूछा था, ये जो सॉल्व करोगे तो ये आ जाता 9.96 10^8 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 9.96 10^-8 आएगा सेंटीमीटर, ठीक है, तो दिस इज योर ऑप्शन नंबर, ये कितना है बी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल व्हाट विल बी द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv मतलब 6.6 10^-34 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 9.1 10^-31 और वेलोसिटी सामने वाले ने दे दी, वेलोसिटी कितने दिया 1.2 into 10^5, जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 6.06 से 10^9, ठीक है 6.06 10^9, ठीक है। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दिया तो मैंने आपको फॉर्मुला दिया था लैम्डा बराबर h/√2m के, ये फॉर्मुला दिया था, जो मोमेंटम नहीं दिया तो काइनेटिक एनर्जी के साथ हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, फॉर्मुला है हमारा डायरेक्ट लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m ke, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए आंसर निकालिए 6.6 10^-34 √2 into 9.2, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही यूज करना -31 into काइनेटिक एनर्जी कितना दिया बेटा आपको, काइनेटिक एनर्जी यहां पे दिया हुआ है 2.8 10^-23 2.8 into 10^-23
ठीक है। तो यहां से जब आप सॉल्व करिएगा तो ये आपका आंसर आता है 9.28 × 10⁻¹⁸, 9.28 × 10⁻¹ मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल गिव द कांसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। नो डाउट, क्योंकि देखो उसने एग्जैक्टली अनसर्टेनिटी ने क्या बोला कि भैया एग्जैक्ट ना तो आप पोजीशन बता सकते ना ही एग्जैक्ट आप मोमेंटम बता सकते, बट यू कैन गिव द प्रोबेबिलिटी, मतलब यू कैन गिव द ओवरऑल आइडिया कि भैया यहां यहां हो सकता है। डेल्टा एक्स मतलब देखो डेल्टा पी इनटू डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होता था, तो डेल्टा मतलब क्या था भैया, लंप सम इस जगह पे इलेक्ट्रॉन होगा। तो बेसिकली उसने क्या दिया, प्रोबेबिलिटी की तो बताई थी ना उसने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिया हुआ है, वेरी इजी, अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डेल्टा पी उसने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17, 16 तो थ्योरेटिकल था, अब 16 का ए हो जाएगा ऑप्शन। अनसर्टेनिटी मोमेंटम कितना दिया, 10⁻¹⁵ है। ठीक है, नाउ अनसर्टेन पोजीशन विल बी, तो कुछ नहीं फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी इनटू डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा पी आपको कितना दिया हुआ, 10⁻¹⁵ इनटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 6.6 × 10⁻³⁴ अपॉन 4 इनटू पाई की वैल्यू 3.14। तो यहां से जब आप डेल्टा एक्स निकालोगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको डेल्टा एक्स आ जाएगा, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है 5.27 × 10⁻³⁰, 5.27 × 10⁻³⁰। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको प्यारे बच्चों? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है मेरा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ ए 0.25 ग्राम पार्टिकल इज 10⁻⁵ मीटर। ठीक है, पोजीशन उसने डेल्टा एक्स कितना दिया हुआ है, डेल्टा एक्स उसने दिया हुआ है 10⁻⁵, और मास कितना दिया 0.25 × 10⁻³। तो डेल्टा पी इनटू डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, और उसने क्या पूछा मेरे से, उसने मेरे से पूछा अनसर्टेन वेलोसिटी। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, क्या डेल्टा पी को एम इनटू डेल्टा बी इनटू डेल्टा एक्स बराबर एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा बी बराबर यहां पे मेरे साथ क्या हो जाएगा, एच अपॉन 4 पाई m into delta x, तो वैल्यू पुट कर दीजिए बस आंसर आ जाएगा 6.6 × 10⁻³⁴ अपॉन 4 × 3.14 into m बराबर कितना हो जाएगा 0.25 × 10⁻⁴। अच्छा, यहां पे आपको kg लेने की जरूरत नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक, यहां पे आप ग्राम में भी रहोगे तो भी आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो m into delta x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁻⁵। अगेन इसको पूरे कैलकुलेशन को जाओ, जब आप सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है, ये वैल्यू आएगी 2.1 × 10⁻³² 2.1 × 10⁻³². ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, मान लो इसी फॉर्मूले में ये 0 हो गया, ये 0 नीचे जा रहा, तो समथिंग बाय 0 क्या होता है, इंफिनिटी। तो अगेन आंसर बहुत आसान था ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ऑप्शन, अनसर्टेनिटी मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये इनफिनिट हो जाएगा। ठीक है, 19 का डी हो जाएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, द पोजीशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम एटम इज नोन टू 1 मिलीमीटर। देखो एक इलेक्ट्रॉन और हीलियम एटम का डेल्टा एक्स उसने ऑलमोस्ट क्या दिया, 1 मिलीमीटर, मतलब दोनों सेम दिया हुआ है, तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन विद इन इतना। ठीक है, तो मिनिमम अनसर्टेनिटी मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ हीलियम एटम। एक बात बताओ, जब बेटा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी हमेशा एच अपॉन 4 पाई के बराबर ही होगा, तो डेल्टा एक्स अगर इलेक्ट्रॉन और हीलियम का सेम है, डेल्टा एक्स इलेक्ट्रॉन और हीलियम का सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है इस वैल्यू को कांस्टेंट करने के लिए डेल्टा पी भी दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट जब किसी के मोमेंटम, जब किसी के अनसर्टेनिटी पोजीशन सेम है तो उसका मोमेंटम भी क्या रहेगा, सेम ही माना जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या रहेगा मेरा, D20 का। क्वेश्चन नंबर 21, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन 1s एंड 2s ऑर्बिटल। ऑब्वियस सी बात है, देखो ये न्यूक्लियस है मेरा, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ये 1s ऑर्बिटल होता है, ये क्या होता है, इसके बाद आता है मेरा 2s ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पे याद है आपको, यहाँ पे क्या रहता है, नोड होता है बीच में, क्या होता है, 1s और 2s के बीच में क्या होता है, नोड, मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर क्या माना जाता है, 0, यही तो नोड होता है, रेडियल नोड। ठीक है, इसको बोलते हैं, मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस केस में क्या होगी, 0 होगी। तो 21 का ऑप्शन सी,
पी ऑर्बिटल एटम इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर। पी ऑर्बिटल क्या होता है, पी ऑर्बिटल में कितने डी जनरेट होते हैं, तीन जनरेट डी, ये तो पी एक्स पी वाई पी जेड, इन तीनों की एनर्जी और क्या होती है सेम होती है, इसलिए इनको डीजनरेटेड ऑर्बिटल बोलते हैं। तो पी ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड में तीन तीन बार फोल्ड होता है, तो वही इसको बोल रहा है। तो उसने क्वेश्चन नंबर 22 में वही बोला, थ्री फोल्ड डीजनरेट होता है, थ्री टाइम डीजनरेटेड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 इज आपके इनकम्प्लीट है, तो यू कैन गिव बोनस मार्क्स प्लस 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला, अ स्पेशल लाइन विल बी सीन फॉर अ 2px 2py, इज दैट पॉसिबल, कि मान लो ये 2px और 2py है, जब मैंने बोल दिया दोनों के एनर्जी सेम है, तो क्या यहां स्पेक्ट्रल लाइन बनेगा, नहीं बन सकता। लाइन कब बन सकता, जब ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी का डिफरेंस हो, या तो एब्जॉर्ब करके ऊपर एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा, या तो एमिट करके नीचे आएगा। लाइन दिखने का मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है, क्या इन दोनों में एनर्जी रिलीज होगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या था, एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ वेव ऑफ लाइट व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप फ्रॉम 2px टू 2py, ये भी गलत है, जब मैंने बोल ही दिया एनर्जी सेम है, तो काय का इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या एनर्जी चाहिए नहीं, ये यहां से यहां बिना एनर्जी के भी जा सकता है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, मतलब 24 का डी ऑप्शन होगा। ठीक है, 4n = 3 एनर्जी लेवल, द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल, n = 3 में कितने कितने होते हैं, 3s 3p और 3d, 3s में एक ऑर्बिटल, 3p में तीन ऑर्बिटल, तीन और एक चार, 3d में पांच, तो पांच और चार नौ, तो ऑप्शन क्या होगा 25 का डी। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन थे, अगर किसी बच्चे को अगर जिससे लिटरली क्वेश्चन नहीं बनते, प्लीज 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 अगेन रिवाइज द लेक्चर, अगेन रिवाइज योर नोट्स, डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। ठीक है, तो आई होप सो अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आएंगे, थैंक यू वेरी मच।